नमस्कार आदाब एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग संडे शो विद सार्थक, जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक्ट्रेस नोरा फतेही से 17 तारीख को 6 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि नोरा की टीम ने कहा है कि उन्हें अब इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन इसी केस को लेकर ईडी कई बार जैकलीन फर्नांडिस से भी पूछताछ कर चुकी है। इन दोनों के साथ सारा अली खान और निकी तंबोली और चाहत खन्ना जैसी स्मॉल टाइम एक्ट्रेस का नाम भी इस केस से जुड़ चुका है। तो भाई चल क्या रहा है, मतलब एक ही केस में इतनी सारी एक्ट्रेसेस का नाम नहीं आ सकता, अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर्स डेटिंग हिस्ट्री। मुझे क्यों तोड़ा? काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। सुकेश चंद्रशेखर, नाउ दिस गाय माइट लुक लाइक इसे अभी किस ट्रैफिक पुलिस वाले ने बिना लाइसेंस और हेलमेट के लिए पकड़ा है, बट ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मतलब काफी बड़ा स्कैमस्टर, नीरव मोदी स्कूल ऑफ स्कैम्स का टॉपर है ये। ये बंदा लड़कपन से ही इतने शातिर तरीके से स्कैम करता था कि ये मॉडर्न डे नटवरलाल बन सकता था, लेकिन फिर गलत जगह फिसल गया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह पोज कर जेल में बंद बिजनेसमैन शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से उनके पति को छुड़वाने के बहाने करोड़ों रुपए ऐंठ लेता था, और इस अमीर कन्या से पैसे लेकर ये कुछ कम अमीर कन्याओं को महंगे महंगे गिफ्ट देता था। He's like the Robin Hood of fuck boys. रिपोर्ट्स की माने तो कई महीनों के दौरान सुकेश ने अदिति से लगभग 200 करोड़ रुपए ऐंठे। पैसा बर्बाद पहन, और इन्हीं पैसों से वो जैकलीन और बाकी एक्ट्रेसेस को महंगे महंगे गिफ्ट देता था, विच इंक्लूडेड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स, महंगी कार्स, रोलेक्स की घड़ियां, गुक्की के बेल्ट, चैनल के कपड़े और ये क्या लुइस बटन। तुमसे ना हो पाएगा, बता, हम नाम नहीं ले पा रहे, ये गिफ्ट देता था। कई सारी एक्ट्रेसेस को सुकेश ने महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे, और सारी एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया है कि भाई हमको नहीं पता था ये कहां से लाके इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है, लेकिन एक्सेप्ट सबने की। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और अब गवर्नमेंट एजेंसी पूछताछ में लगी हुई है। बाय द वे मिनी कूपर और मेजराटी भी दी थी उसने। तुम लोग मारुति की सैलरी ही दे दो यार। और जनाब क्या चल रहा है? Now obviously आपने इस हफ्ते चीता का देश में आना जरूर सुना होगा। Apparently इस मुद्दे ने बाकी सारे मुद्दे को ओवरशैडो कर दिया है। शेर लेके आया है, कुत्ते न्यूज बता रहे हैं, और हम गधे ताली बजा रहे हैं। फुल चिड़ियाघर बना रखा है हमने देश को। Now on a serious note, ये एक अच्छी खबर है, सरकार की एक अच्छी पहल है। दरअसल चीता पहले हमारे देश में भी हुआ करता था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी हुआ करता था, लेकिन फिर हैबिटेट लॉस के चलते और फिर शिकार के चलते ये एक्सटेंट हो गया। महाराजा लोग हमारे पहले शिकार किया करते थे। पहले से धब्बे वाला लेपर्ड, अबे वो तेंदुआ है। एक तो इंग्लिश मीडियम ने देश खराब कर रखा है। अब 70 साल बाद मोदी जी के बर्थडे पे इस जानवर को इंट्रोड्यूस किया गया है देश में। नामीबिया से अभी कुछ चीते आए हैं और कुछ साउथ अफ्रीका से आना बाकी है। चलिए मोदी जी की बात हो ही रही है तो बता दें कि इस हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान में SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करके आए हैं। नाउ SCO लाइक G20 एंड ब्रिक्स इज अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मेंबर स्टेट्स मेलजोल बढ़ाते हैं। इट्स लाइक अ किटी पार्टी ऑफ नेशंस। और अच्छी बात यह है कि इंडिया ने SCO में अगले साल तक के लिए प्रेसिडेंसी भी ले ली है, यानी कि एक तरह से मॉनिटर बन गए हम। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम स्पोर्ट्स, जहां पर इस हफ्ते टेनिस लेजेंड रॉजर फेडरर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। 41 ईयर्स के रोजर फेडरर ने अपने करियर में लगभग 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं, और कई लोगों का मानना है दैट ही इज द गोट ऑफ टेनिस, मतलब इस स्पोर्ट के सबसे बड़े प्लेयर हैं रोजर फेडरर। और ना सिर्फ ये टेनिस के बड़े खिलाड़ी हैं बल्कि इनका इंडिया से भी गहरा कनेक्शन है। इनफैक्ट इन्होंने मलाइका अरोरा से शादी भी रचाई थी। यार अब ये वाला जोक दोबारा नहीं मार पाऊंगा, दोनों का ही करियर खत्म हो गया। एंड नॉट ओनली रोजर फेडरर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही वाज वन ऑफ द फिटेस्ट टू। मतलब 41 साल की उम्र तक टेनिस खेलना मजाक की बात तो देखो है नहीं। और देखो कोई भी स्पोर्ट हो, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल या फिर लाइफ, फिटनेस आपको एक बेटर प्लेयर बना सकती है। आपको फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में सीखना बहुत जरूरी है, और इस हफ्ते मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादातर सीखा आज की वीडियो स्पॉन्सर कुकू FM से। कुकू FM पर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन नाम की ऑडियो बुक है जिससे मैंने काफी कुछ सीखा। फिटनेस क्या होती है, किसको फिटनेस रिजीम अपनाना चाहिए, मैक्रोस क्या होते हैं, माइक्रोस क्या होते हैं, प्रोटीन, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, और आप अगर ये सब के बारे में सुनना चाहते हो तो आप भी कुकू FM पर इसको सुन सकते हो। अगर आपको कुकू FM के बारे में नहीं पता है तो ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया ऐप है जहां आपको नॉन फिक्शन कंटेंट के 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज मिलेंगे। इस पर आप लर्निंग भी अपने हिसाब से कर सकते हो। किताबें भले ही अंग्रेजी की हो सकती हैं लेकिन आप उसे अपनी भाषा में सीख सकते हो। आपकी मातृभाषा क्या है, चाहे वो हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, बंगाली हो सकती है, आप अपनी भाषा में यहाँ सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कुकू FM का डाउनलोड लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ में एक कूपन कोड है सार्थक50, जिसका इस्तेमाल करने वाले पहले 250 यूजर्स को फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि जो उनका 399 का सब्सक्रिप्शन है वो आपको सीधा 199 में मिलेगा, यानी कि लाखों रुपए का नॉलेज सिर्फ 200 रुपए के अंदर अनलॉक।
इस हफ्ते एक और दुखद घटना हुई उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में, जहां पर दो बहनों के साथ रेप किया गया, उसके बाद उनका मर्डर करके उनके शव को पेड़ से लटका दिया गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और जुनेद और सोहेल समेत मामले के अन्य मुख्य आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। और पॉलिटिक्स एज यूजुअल कंटिन्यू है। ऑपोजिशन ने कहा कि हाथरस, बदाऊ और अब लखीमपुर घटना के बाद ये साबित हो जाता है कि बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा में असमर्थ है। और वहीं दूसरी तरफ क्योंकि जो अक्यूज्ड हैं वो एक समुदाय विशेष से हैं, तो अब पूरे मामले में बस यही डिस्कस हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर आजकल कौन ही सवाल करता है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हेल्थ से रिलेटेड, और वो ये कि इस हफ्ते सरकार ने 7 सालों बाद NLEM को अपडेट किया है। नाउ व्हाट इज NLEM? यू आर अ गुड क्वेश्चन। NLEM बोले तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। दरअसल होता क्या है कि कुछ कुछ दवाइयां होती हैं जो देश के कई सारे पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती हैं, इसलिए सरकार कुछ दवाइयों को लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में डाल देती है, जिससे वो इनकी प्राइसेस भी कंट्रोल कर सकती हैं और जो पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे दवाइयां चाहिए होती हैं उनकी जेब पे उतना वजन नहीं पड़ता। जो इस हफ्ते एसेंशियल मेडिसिन्स की लिस्ट अपडेट हुई है उसमें 26 ड्रग्स को हटा दिया गया है और 34 नए ड्रग्स को ऐड किया गया है, और टोटल टैली अब 384 ड्रग्स की हो गई है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में। इनमें डिसेबिलिटीज, इंसुलिन, टीबी, एंटी कैंसर थेरेपीज की दवाइयां भी शामिल है। डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक है, अगर आप पूरी NLEM की लिस्ट चेकआउट करना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आखिरी खबर आपके लिए है। विप्रो और इंफोसिस, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे देश की सबसे बड़ी टेक जायंट्स हैं, और हाल ही में इन्होंने मूनलाइटिंग के खिलाफ एक स्टांस लिया है और कहा है कि कोई भी इंप्लॉई अगर मूनलाइटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। नाउ व्हाट इज मूनलाइटिंग? मूनलाइटिंग बेसिकली तब कहा जाता है जब कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन से एक फुल टाइम इंप्लॉई कहीं दूसरे जगह पर एक पार्ट टाइम जॉब उठा लेता है, तो इस कॉन्सेप्ट को मूनलाइटिंग कहा जाता है। बेसिकली डबल टाइमिंग गर्लफ्रेंड नहीं काम के साथ। अब देखो के कई कारण होते हैं, किसी को भी ज्यादा काम करना पसंद नहीं होता, बट इंप्लॉय ज्यादातर ये इसलिए करते हैं क्योंकि या तो उनकी सैलरी कम होती है या तो उनकी नीड्स कुछ और होती है या किसी और फील्ड में उनका पैशन होता है तो वो एक साइड हसल करते हैं। नाउ लाजमी है कि सिर्फ कंपनीज को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके इंप्लॉय का ध्यान भटक जाता है, उनको लगता है कि वो 100% अपना हमारी कंपनी में नहीं दे पा रहा है। ये पेंडेमिक के टाइम पे जब लॉकडाउन लग गया था और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तब लोगों के बीच में कल्चर ज्यादा बढ़ गया था। इनफैक्ट एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 65% IT के इंप्लॉयज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक साइड जॉब कर रहे हैं। लेकिन अब जब पेंडेमिक के बाद सारी कंपनीज वापस खुल रही हैं और एम्प्लॉयज को वापस बुलाया जा रहा है तो ये जो मुद्दा है वो उभर कर वापस आया है। पर्सनली मेरा मानना है कि मूनलाइटिंग, अगर आप कहीं एक साइड जॉब कर रहे हैं तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहले से बता कर रखते हैं और आपके बीच में एक सहमति हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बिना बताए कर रहे हैं तो थोड़ा अनएथिकल हो जाता है। आपका पर्सनली मूनलाइटिंग के बारे में क्या ख्याल है? कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही में लाइक का भी बटन है तो वो भी दबा देना। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी और MS धोनी एक दिन एक साथ एग्जाम देने गए थे और चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे? कुछ भी ये मजाक मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि बिहार की एक यूनिवर्सिटी में हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, गौर से सुनो। मसला ये हुआ कि दरभंगा में है एक LNM यूनिवर्सिटी जहां से मधुबनी, बेगूसराय और समस्तीपुर के कई सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं। ऐसा होता है ना, यूनिवर्सिटी से अलग अलग सिटीज में कॉलेजेस होते हैं, वो अफिलिएटेड होते हैं। अब जब इन कॉलेजेस में एग्जाम हुए तो कुछ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में गवर्नर फागू चौहान, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटोज छपी हुई थी। What? दरअसल हुआ यूं कि यहाँ के स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड के लिए जो फोटो है वो स्वयं अपलोड करनी थी और यूनिवर्सिटी के डेटा सेंटर को इसे अप्रूव करना था, लेकिन अपेरेंटली बच्चे निकले बकलोल और कॉलेज के बाबू उनसे बड़े बकलोल। इन्होंने मस्त मस्त में PM मोदी की फोटो अपलोड कर दी, उन्होंने उससे एडमिट कार्ड बना दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यार ये सेगमेंट मुझे बहुत पसंद है, मस्त मस्त स्टोरियां मिलती हैं इसमें। और मियां एक और बढ़िया स्टोरी बता रही है मैं अपनी इंदौर से। यहाँ तो भाई फुल कोलर पेंट में बिल्कुल स्कैम चल रहा था, मेरा तो सुनकरी माता हूं गया। इंदौर की SDM नीलम पारशर ने पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने जगह जगह गवर्नर से रेड करने के वारंट लिए हैं, वहां छापे मारे हैं और 100 लोगों से लगभग 1 करोड़ रुपए का फाइन वसूला है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ये पूरे पैसे नीलम जी ने खुद रख लिए क्योंकि जो रेड इन्होंने कंडक्ट की वो फेक थी, जो लेटर हेड था वो फेक था, जो साथ में गनर लेके चल रही थी वो फेक था, गवर्नर तो कभी था ही नहीं और ना ही ये कभी SDM बनी थी। गजब तू भी आजाद। बेसिकली इन्होंने नकली के SDM बनकर लोगों से असली पैसे वसूल लिए और ये सब किया इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ। सरकारी स्टिकर वाली गाड़ी में घूमती थी, एक भाड़े का इन्होंने गनर ले रखा था जिसे 200 रुपए पर मंथ देती थी और एक फेक लेटर हेड पर फेक सील लगाकर उसे सरकारी दस्तावेज बताकर लोगों का यहाँ रेड कर देती थी। मतलब सब कुछ फेक था, बस एक चीज असली थी, वो था इनका एटीट्यूड और लोग उसी से बेवकूफ बन जाते थे।
अच्छा, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई नोएडा से, जहां पर एक आदमी अपनी बाइक से उतरता है और किसी की मर्सिडीज कार में आग लगा देता है। बाद में पता चलता है कि दरअसल ये इंसान एक व्यापारी था जिसके कुछ पैसे किसी एक इंसान ने काम करवाने के बाद नहीं दिए थे। बार बार बोलने के बाद भी नहीं दिए, तो उसने कहा ठीक है मेरा नुकसान तो हो ही रहा है, मैं तेरा भी करूंगा, और उसकी मर्सिडीज में आग लगा दी। अब मैं भी यही ट्रिक अपनाऊंगा, जिस जिसने उधार नहीं दिया ना मैं उसका नुकसान करूंगा। निकालो मिट्टी का तेल, हर गली में से धुआं निकलेगा। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। इस हफ्ते एक वीडियो बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होगी, जहां बेंगलोर के एक डॉक्टर है गोविंद नंद कुमार, जिन्होंने 3 किलोमीटर तक दौड़ लगाई क्योंकि ट्रैफिक की वजह से ये एक सर्जरी के लिए लेट हो रहे थे। पॉइंट टू बी नोटेड, बेंगलोर एक ऐसा शहर है जो अपनी ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बदनाम है। बेंगलोर में इतना ट्रैफिक लगता है कि साइकिल वाले कार वालों को लिफ्ट देते हैं। वहां इतना ट्रैफिक है कि सिग्नल पे लाइट रेड हो या ग्रीन, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। ऑल इन ऑल बेंगलोर की कार बिहार की सरकार से ज्यादा स्लो चलती है। गजब बेइज्जती है। मतलब मैं एक दोस्त की सगाई में गया था बेंगलोर, अच्छा ट्रैफिक में फंस गया, जब पहुंचे तो विदाई हो रही थी। अब इसी ट्रैफिक को बीट करते हुए डॉक्टर गोविंद ने 3 किलोमीटर तक दौड़ लगाई, अस्पताल पहुंचे और अपनी सर्जरी कंप्लीट की। मतलब ये ठीक है, एक तीर से दो निशाने, पेशेंट की जान भी बच गई, इनका कार्डियो भी हो गया। ऐसी ही एक और डॉक्टर की कहानी सुनाता हूं, जो कार से नहीं बल्कि ट्रेन से रिलेटेड है। दरअसल दुरंतो एक्सप्रेस में एक प्रेग्नेंट महिला ट्रेवल कर रही थी और रात को लगभग 3 बजे उनको लेबर पेन स्टार्ट हो गया। लेबर पेन स्टार्ट हो गया चलती ट्रेन में। अब इसमें ऐसे मामले में कुछ नहीं कर सकते, बट थैंकफुली उसी ट्रेन में एक फाइनल ईयर की मेडिकल स्टूडेंट ट्रेवल कर रही थी, जिन्होंने अब तक सिर्फ सर्जरीज में डॉक्टर्स को असिस्ट किया था, कभी खुद कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन इस बार उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर डॉक्टर स्वाति ने चलती हुई ट्रेन में सुबह 5 बजे एक महिला की डिलीवरी करवाई। और तो और जब नया बच्चा होता है तो उसको एक वार्म क्लाइमेट की जरूरत होती है, लेकिन ये एक 3rd AC कंपार्टमेंट था, तो फिर वहां के जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने अपनी ब्लैंकेट्स को दिया और उस ब्लैंकेट से उस बच्चे को लपेटा गया। और एक और अच्छी बात बताऊं, इट वाज अ बेबी गर्ल, तो इस बच्ची के माँ बाप ने इस बच्ची का नाम भी स्वाति रखा, उस डॉक्टर के नाम पे जिसने चलती हुई ट्रेन में इस बेबी को डिलीवर किया था। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अच्छा, अगली न्यूज से पहले अपना दिल थोड़ा थाम लो, क्योंकि प्रेमिस थोड़ा सा सैड है बट क्लाइमेक्स आपको काफी खुश कर देगा। बंधुआ मजदूर, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉन्डेड लेबर, ये एक ऐसी प्रथा है जो बहुत पहले टाइम से चलती आ रही थी, बट उसे अब हमारे देश में बैन कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली भी, और IPC के सेक्शंस के अंडर भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो बंधुआ मजदूरी है ये अभी भी हमारे देश से गई नहीं है। अगर आप भी आज गूगल पे जाके बॉन्डेड लेबर सर्च करोगे तो आपको रिसेंट के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। कई सारी शुगर केन मिल्स होती हैं, कई सारी जो गुम्मे की फैक्ट्रियां होती हैं उनमें कई लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है। लेकिन हाल ही में एक जर्नलिस्ट की टीम ने यूपी के भदोही से कुछ बंधुआ मजदूरों को बचाया, और वो ऐसे कि कुछ एक कॉन्ट्रैक्टर था जो इनके गांव में आया, इनके गांव में आके उसने गरीबी की दशा देखी और फिर इनको लालच दिया कि आपको महाराष्ट्र में किसी एक गांव में ले जाया जाएगा, आपको 500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा और वहां आपसे काम करवाया जाएगा। 500 रुपए एडवांस दे दिया, तो गांव के कुछ लोग थे जो इकट्ठे हो गए, वहां पर चले गए। लेकिन वहां पर जब जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनको दरअसल 6 लाख रुपए में उस कॉन्ट्रैक्टर ने इस जो मिल है यहाँ पर बेच दिया है। वहां पर इनको खाना नहीं दिया जाता था, दिन रात काम करवाया जाता था और बहुत ही बुरी कंडीशंस में रखा जाता था। बट लकीली किसी एक इंसान के हाथ में एक मोबाइल फोन लग गया, जिससे इसने अपने घर पे फोन किया। वह घर पे फोन किया तो घर वालों को पता चला कि क्या हो रहा है, उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म किया। पुलिस से ज्यादा हेल्प नहीं मिली तो इन्होंने वीडियो वॉलंटियर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टेक्ट किया, विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्नलिस्ट। इन लोगों ने अल्टीमेटली उन लोगों को ट्रेस किया और फिर बाद में पुलिस की ही मदद से जाके इन लोगों को बचा लिया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आटा दुगना हो गया, 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। इमरान साहब, इतनी कौन सी बाढ़ आ गई कि आटा भी लीटर के हिसाब से बिकने लगा, जैसे केजरीवाल नहीं कहता। ये तो कुछ समझ के परी है, बिल्कुल ही समझ के परी है। ओके, ब्रह्मास्त्र का मूवी रिव्यू। आप किस लिए देखने हैं? रमेश शास्त्र वही देखने हैं। कौन सी? रमेश शास्त्र। अगर ब्रह्मास्त्र का मेन कैरेक्टर रवि शास्त्री ने प्ले किया होता ना, तो अस्त्रों के नाम होते विस्की अस्त्र, रम अस्त्र, वाइन अस्त्र, थर्रास्त्र, देसी अस्त्र, 100 पाइपर अस्त्र। दिल्ली से हूँ BC। आप लोग कमेंट करके बताओ कि हमारे प्यारी बहन कैसी लग रही है ना घूंघट में, और इसी के लिए ज्यादा मेहनत की है ना। इस वीडियो का सबसे अच्छा रिएक्शन इसका कैप्शन है बैन व्लॉगिंग, वरना कल को ये लोग सुहागरात को भी हैशटैग बना देंगे। गाइज आज हम ये देख के चार्ज हो गए, फिर गाइज इसने कुंडी लगा दी और मैंने इसको जन्नत दिखा दिया। गाइज कुंडी लगा लो सैया। ओके गाइज, देखते हैं इन आदमी का क्या कहना है। गाइज
प्रधानमंत्री विदेश में जब जाते हैं तो किसी होटल में नहीं ठहरते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ ठहरते हैं? एयरपोर्ट पर नहा लेते हैं, एयरपोर्ट के लॉन्ज में जाकर के नहा के 2 घंटा बिता लेते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का इसे बचत करते हैं भाई। मतलब एक तो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, मतलब एक पॉइंट के लिए प्रधानमंत्री भी कंफ्यूज हैं कि यार वो एक सेकंड स्कॉटलैंड में लग तो वो होटल रहा था, तुम लोग एयरपोर्ट लाउंज में नहला रहे थे मुझे अभी तक। ओह माय गॉड, सर संभालो अपने मंत्रियों को, आज एयरपोर्ट लाउंज में नहलाया कल पेंट्री में आपको खाना खिला देंगे। ये इस सज्जन को क्या तकलीफ है? बीजेपी नेता ऑन टीवी डिबेट व्हेन द होस्ट मिस्टेकनली आस्क हिम अबाउट द इकॉनमी। वो इटली वाली सोनिया गांधी। ये वीडियो काफी वायरल हुआ। दरअसल ये सज्जन कैमरा के सामने अपने पीछे रोड पे जो गड्ढे है उसके बारे में बता रहे थे, और बता रहे थे कि कैसे वहां पर आए दिन गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, ई रिक्शा वगैरह पलट जाती है। उसके बाद क्या हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई लोग यहाँ से रिपर हो रहा है, इसकी लिखित शिकायत आप लोगों ने कह दिया है, तमाम तरीके से अधिकारी अधिकारी को संज्ञान नहीं है, तमाम एटीएम कमीनी कामिनी ठाकुर ने लिखा है, सर योर सेल्फी सेगमेंट इज वेरी इन्फॉर्मेटिव, रिसेंटली आई गॉट अ क्वेश्चन इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सिटी ऑफ गार्डन थैंक्स टू यू विच शुड बी द सिटी ऑफ हैदराबाद। एग्जाम में पास हो गई, मिठाई चाहिए मुझे, लड्डू भेजो आप घर पे। चलो आयुषी सिंह ने लिखा है, सार्थक भाई व्हाट आर योर न्यूज सोर्सेस फॉर दिस शो, लाइक प्रिपेयर कैसे करते हो और कहाँ से करते हो? आयुषी बहुत सारे न्यूज सोर्सेज हैं, मैं हर जगह से जहाँ देखो न्यूज़ ही देखता रहता हूँ। पर्सनली बताऊँ तो 2 अखबार पढ़ता हूँ, एक हिंदी होता है एक इंग्लिश होता है, तो उससे कुछ न्यूज़ मिल जाती है। फिर इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, सोशल मीडिया रेडिट हो गया, सोशल मीडिया इज अ गुड सोर्स ऑफ न्यूज़। बट हाँ, जो जिस सोर्स से आप न्यूज़ ले रहे हो, जिस हैंडल से आप न्यूज़ ले रहे हो, वो वेरीफाई होना चाहिए, वो ट्रस्टेबल होना चाहिए। उसके अलावा आपको कई सारी वेबसाइट मिल जाती है, कई सारे जो आपके टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट हो गया, इनके सब्सक्रिप्शन आते हैं। और ये लोग ना कभी कभी जैसे हिंदू मॉर्निंग डाइजेस्ट देता है, ये लोग आपको हर सुबह बुलेट पॉइंट्स में ना हेडलाइंस ऑफ द डे बता देते हैं, तो उनको भी फॉलो करके पता लग जाता है। बट हाँ, मैं बहुत डिटेल में कोई भी ऐसे ना न्यूज़ फॉर न्यूज़ सेवी इंसान नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं बस हेडलाइन देख के रहता हूँ, फिर जो मुझे लगता है कि कोई ऐसी न्यूज़ है जो आपको समझना या जानना जरूरी है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्ड रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ। होप दैट हेल्प्स। उन्हें ने लिखा है, बॉयकॉट संडे शो, बॉयकॉट सार्थक भाई। काहे बे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हर्षित शर्मा ने ट्वीट किया है, बिचेस बी पोस्टिंग देयर पिक्चर्स विद कैप्शंस लाइक ब्लेसिंग योर टाइमलाइन, व्हाट आर यू साईं बाबा? हर्षित भाई गुड वन। माय सेल्फ रिस्पेक्ट आफ्टर अ रिप्लाई इन 10 सेकंड्स टू हर 5 आवर लेट टेक्स्ट। गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर किसी को देखे सबसे अच्छा सीन लगता है जब फैजल को आगे वो कहता है कि अरे फैजल तुम्हारे बाप को कोई मार दिया, तो फिर दौड़ के जाता है, फिर याद रखता है उसको चप्पल भूल गया, जाके वापस चप्पल पहन के फिर जाता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर ओपी। मिजान 07 ऑन इंस्टाग्राम इज वॉचिंग द संडे शो फ्रॉम द सिटी ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन तारापुर इन महाराष्ट्र, वो भी सन 1969 को, इंग्लिश में क्या कहते हैं 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था, विच वॉज कमीशन अंडर 123 अग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इट्स ऑपरेटेड बाय नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो तारापुर इन महाराष्ट्र, उसके साथ ही हमारे देश में और भी न्यूक्लियर प्लांट हैं, जैसे कि नारापुर में है, राजस्थान में है, कलपक्कम में भी है और कुंडाकलम में भी है। ओके, इंडिया हैज क्वाइट अ बंच ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। मिजान भाई थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अभिजीत घोष इज वॉचिंग फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ सिटी इन 1411, कैपिटल ऑफ स्टेट फ्रॉम 1960 टू 1970, बट नो लॉन्गर अ कैपिटल नाउ, इट वॉज नोन टू बी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, 7th लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सर आप जिस शहर के बारे में बात कर रहे हैं वो है अहमदाबाद, और आप देखिए सर, मतलब अभिजीत सर को देखो, इज लुकिंग सो क्यूट, लाइक द यंगर वर्जन ऑफ अमित शाह, बस थोड़ा डर कम लग रहा है इनसे, है ना। मनन कनौजिया हैज शेयर्ड अ पिक्चर ऑफ अ क्यूटी इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ डायमंड्स। नो सर, डायमंड सिटी में नहीं, डायमंड हीरा आपकी फोटो में, आहा कितना क्यूट लग रहा है ये। बचपन में मैं भी इतना क्यूट होता काश, लेकिन मैं पड़ोसियों की बेल बजा के भाग जाता था तो लोग
इज्जत नहीं देते थे उतनी। एनीवे, ऐसे ही अगर आप भी शो में फीचर होना चाहते हैं तो बस आपको इतना करना है कि शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी ले रही है, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करना है विद द हैशटैग संडे सार्थक, और अपने सिटी की एक हिंट दे देना, नाम मत बताना, और अगले एपिसोड में हम यहीं पर आपकी सिटी का गेस करेंगे आपकी फोटो के साथ। शो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा, अगले हफ्ते का एपिसोड आपको अगले हफ्ते मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।